हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकी फिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे HDFC बैंक इन्फिनिटी डेबिट कार्ड के बारे में, जो कि HDFC बैंक का एक नया डेबिट कार्ड है। तो इस डेबिट कार्ड की क्या खासियत है, मतलब कि इस डेबिट कार्ड में हमें क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं, और ये डेबिट कार्ड किन लोगों को मिल सकता है, इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस डेबिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो इस डेबिट कार्ड की POS और ई कॉमर्स शॉपिंग लिमिट 10 लाख रुपए की है। आप चाहें तो इस डेबिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग 10 लाख रुपए तक की कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑफलाइन शॉपिंग भी करनी हो तो आपको जो POS मतलब कि स्वाइप मशीन पे जो लिमिट मिलती है इस डेबिट कार्ड से, वो 10 लाख रुपए की मिलती है। आप 10 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 10 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड की डेली ATM कैश विड्रॉ लिमिट 2 लाख रुपए की है। आप चाहें तो डेली इस डेबिट कार्ड से 2 लाख रुपए तक ATM से कैश निकाल सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है ATM पर भी कि एक बारी में कितना पैसा निकलेगा, ये ATM पे भी डिपेंड करता है और एरिया पे भी। तो कुछ एरिया के जो ATM होते हैं उन ATM से 5,000 रुपये तक मैक्सिमम निकलता है एक बारी में, तो आप ऐसे 5,000 रुपये करके निकाल सकते हैं। कुछ एरिया के ATM पे जो है आपको 10,000 रुपये की लिमिट मिलती है, कुछ पे 20,000 की, कुछ पे 40,000 की, और अलग अलग बैंकों के ATM पे भी डिपेंड करता है ये। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पे जो लिमिट बता रहा हूँ वो ATM की लिमिट नहीं बता रहा हूँ, मैं जो लिमिट बता रहा हूँ वो इस डेबिट कार्ड की बता रहा हूँ कि इस डेबिट कार्ड से आप एक दिन में कितना मैक्सिमम ATM से कैश निकाल सकते हैं। वो ATM मशीन किस कंपनी की है और किस एरिया की है वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो उस पर एक बारी में कितना पैसा निकलता है तो उसकी एक अलग बात होती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फी कम देनी होती है। अगर आप इस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 0.99% की ही फी ली जाती है। तो ये आपको एक तरह से प्रेफरेंस मिलता है इस डेबिट कार्ड से। अगर आप जो है फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको ये फ़ी कम देनी होगी। 16 यानी कि 16 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलते हैं हर साल, जो कि आपको पर क्वार्टर यानी कि हर तिमाही में 4 बारी मिलते हैं। और आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ विजिट्स भी मिलते हैं पर ईयर, जो कि आपको पर क्वार्टर 2 बारी मिलते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर मिलता है। 3 करोड़ का इंश्योरेंस कवर आपको मिलता है। एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होता है ये 3 करोड़ का। इसके अलावा आपको 0 लाइबिलिटी कवरेज मिलता है, जो कि 10 लाख रुपए तक का होता है, और ये ऑनलाइन फ्रॉड्स के लिए होता है कि अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह हो जाएँ तो आप इसको क्लेम कर सकें। तो इसमें आपको 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। और आपको 7,500 रुपये के ताज वाउचर्स मिलेंगे अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से हर तिमाही में मतलब पर क्वार्टर 3 लाख रुपये या फिर 3 लाख रुपये ज़्यादा खर्च कर देंगे तो आपको 7,500 रुपये के ताज वाउचर्स मिल जाएंगे। लेकिन याद रहे कि ये जो ऑफ़र है ये शुरू के 1 साल में ही सिर्फ वैलिड होगा, उसके बाद ये ऑफ़र जो है वैलिड नहीं होगा। तो मतलब कि शुरू के 1 साल के लिए ही ये ऑफ़र रहेगा। और जिनको एयरपोर्ट लॉन्च की लिस्ट जाननी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर चेक कर ले, या फिर गोल्फ विजिट्स की जो लिस्ट है वो जाननी हो तो वहाँ पे भी, या फिर डिटेल्स जाननी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाकर के लिंक चेक करें। और वैसे यहाँ पे मैंने नंबर भी दे दिया था तो आप नंबर पे कॉल करके भी पता कर सकते हैं। और आपको HDFC बैंक की तरफ से डेबिट कार्ड पे ऑफर्स भी आते रहते हैं, तो अगर आप चाहें तो वो ऑफर्स चेक भी कर सकते हैं और उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप इस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके पेज़ैप या फिर स्मार्ट बाई के ज़रिए ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 5% तक का कैशबैक भी मिलता है। और ये डेबिट कार्ड वीज़ा नेटवर्क के साथ में आता है तो आपको वीज़ा की तरफ सभी ऑफर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। और इस डेबिट कार्ड पे आपको डेबिट कार्ड EMI का भी बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको HDFC बैंक की तरफ से आपके डेबिट कार्ड पे EMI का ऑफ़र होगा तो आप जो है अपने इस डेबिट कार्ड से EMI का भी बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें कि जो आपके परचेजेस यानी कि जो आपके ट्रांजेक्शन 5,000 या फिर 5,000 से ऊपर के होते हैं उनको आप EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं, EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये फैसिलिटी आजकल आपको फ्लिपकार्ट अमेज़ोन वगैरह पर देखने को मिलती है, आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। और फ्यूल सरचार्ज व्यवहार के बारे में बात करें तो अगर HDFC बैंक की स्वाइप मशीन है और आप उस पर इस डेबिट कार्ड को स्वाइप करके फ्यूल परचेस करते हैं तो आपसे कोई भी जो है सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। तो इस डेबिट कार्ड में आपको जो इंश्योरेंस कवर्स मिलते हैं उनको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले एक्सीडेंटल डेथ एयर इंश्योरेंस कवर आपको मिलता है 3 करोड़ रुपये का। इसके अलावा आप लोगों को एक्सीडेंटल डेथ रेल रोड इंश्योरेंस कवर मिलता है 10 लाख रुपये का। और 0 लाइबिलिटी ऑन ऑनलाइन फ्रॉड्स के लिए आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है 10 लाख रुपए तक का। अपने डेबिट कार्ड को इंश्योरेंस कवर्स के लिए एक्टिव रखने के लिए आपको 30 दिन में कम से कम एक बार ट्रांजेक्शन करना होता है। तो आपके डेबिट कार्ड से 30 दिनों के अंदर अंदर एक ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तभी इंश्योरेंस कवर को क्लेम किया जा सकता है।
इसके अलावा आपको कॉन्टेक्टलेस पेमेंट का भी फीचर देखने को मिलता है इस डेबिट कार्ड में, और इसमें आपको पर डे 5,000 रुपये की लिमिट मिलती है कि अगर आप कॉन्टेक्टलेस पेमेंट करते हैं तो आप एक दिन में 5,000 रुपये तक मैक्सिमम जो है पेमेंट कर सकते हैं कॉन्टेक्टलेस मोड से। तो ये अभी की लिमिट मैं बता रहा हूँ, और ये लिमिट पहले कम थी, अभी के टाइम में बढ़ा दी गई है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसलिए इसको लेकर भी कोई कलेश नहीं होना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, और समझते हैं कि ये डेबिट कार्ड किन लोगों को मिल सकता है। तो ये डेबिट कार्ड इनविटेशन बेस पे मिल रहा है कि बैंक जिनको इनवाइट करेगा सिर्फ उन्हीं को ये डेबिट कार्ड मिलेगा, जिनको ऑफर करेगा बैंक उन्हीं को ये डेबिट कार्ड मिल पाएगा। तो बैंक किन कस्टमर्स को ऑफर करेगा, तो यहाँ पे बताया खुद बैंक ने कि जो बैंक के इन्फिनिटी कस्टमर्स होंगे उनको इनवाइट किया जाएगा, बैंक सिर्फ उन्हीं को इनवाइट करेगा। तो ये इन्फिनिटी कस्टमर्स कौन होंगे, तो ये बैंक तय करेगा, बैंक जो है कस्टमर्स की प्रोफाइल देख करके और उसके बाद जो है तय करेगा कि कौन इन्फिनिटी कस्टमर है कौन नहीं है। फीस और चार्जेस के बारे में बात करें तो जब मैंने चेक करने की कोशिश की तो एरर आ रहा था ये। इसके अलावा मैंने जो है HDFC बैंक की वेबसाइट पर पूरा छान मारा कि कहीं पे मुझे जो है इस डेबिट कार्ड का चार्ज देखने को मिल जाए, लेकिन मुझे जो है इस डेबिट कार्ड का चार्ज कहीं पे भी देखने को नहीं मिला। हो सकता है कि अभी अपडेट ना किया गया हो, तो जब भी अपडेट किया जाएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा। अगर मुझे पता लग जाएगा, अभी तक जहाँ तक मैंने जो है चेक किया है तो मुझे HDFC बैंक की वेबसाइट पर कहीं पर भी नहीं मिला है, और मैंने जो अभी बैंक ऑफिशियल से बात की नहीं है, मतलब कि अभी मेरी बात बैंक के किसी भी स्टाफ से नहीं हुई है, तो इसलिए अभी मैं इस डेबिट कार्ड के चार्ज को लेकर के कंफर्म नहीं हूँ। तो ऐसा होता है कभी कभी को, तो जैसे ही अपडेट होगा और जैसे ही मुझे इसके बारे में जानकारी मिलेगी मैं आप लोगों को भी अपडेट दे दूँगा। और इसके लिए आप जो है चेक कर सकते हैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन, अगर मुझे जानकारी मिल गई तो मैं जो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका चार्ज बता दूँगा, और जब भी मुझे मिली जानकारी, अगर अभी नहीं मिली बाद में मिली तो बाद में आपको जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं अपडेट दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन इसका चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं YouTube पोस्ट भी कर दूंगा जैसे मुझे इसके बारे में जानकारी मिली। तो ये डेबिट कार्ड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, अभी इसके चार्ज के बारे में कन्फर्म नहीं है कि इसका चार्ज कितना है, तो जब तक इसके चार्ज के बारे में हमें जानकारी नहीं मिल जाती तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि डेबिट कार्ड कैसा है, क्योंकि चार्ज पर भी निर्भर करता है। तो अगर इसका चार्ज 500 के अराउंड हुआ तो ये डेबिट कार्ड बहुत अच्छा माना जाएगा, लेकिन अगर जो है 500 के ऊपर गया तब भी ये डेबिट कार्ड जो है ओके माना जाएगा, मतलब सही माना जाएगा। मतलब अगर 1,000 तक भी इसका चार्ज रहा तब भी इसमें जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, जो फीचर्स मिल रहे हैं, उस हिसाब से डेबिट कार्ड सही माना जाएगा, लेकिन 1,000 से ऊपर गया तो उतना अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा अगर ये डेबिट कार्ड फ्री हुआ तब तो बहुत बेहतरीन ये डेबिट कार्ड माना जाएगा। तो आपका क्या ओपिनियन है इस डेबिट कार्ड को लेकर के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।